नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 4 करोड़ के सोने के सामान की चोरी की, डायल 112 नंबर पर गलत सूचना देने वाले अभियुक्त श्रवण तिवारी को कोतवाली थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1.5 लाख रुपए नगद स्वर्णकार तपस के 2 बंडल, स्वर्णकार राकेश ज्वेलर्स के 1 बंडल सहित अन्य सामान किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के 30 जनवरी को होने वाले मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने जनपद के पुलिस कर्मियों के साथ की बैठक। कहा, मतदान को संपन्न कराने के लिए 3 सुपर जोन 10 जोन सहित बनाया गया है 24 सेक्टर। सभी मतदान केंद्रों पर SSB व पुलिस कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। मतदान को करवाया जाएगा सकुशल संपन्न। चोरी की घटना कारित करने वाले संगठित गिरोह के 6 अभियुक्तों सहित 1 बाल आबचारी को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 11 मोबाइल, 7,700 रुपए नगद, 305 ग्राम नशीला पाउडर किया बरामद। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया खुलासा। SJPU और AHTU की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी विभिन्न दिशा निर्देशों के पालन आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक की गई चर्चा। SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने दी जानकारी। नायब तहसीलदार सदर विकास कुमार की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में आए 2 मामले, मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। जनवरी को हुई मोबाइल की छिनैती करने वाले अभियुक्त प्रिंस चौहान को कोतवाली थाने के पुलिस ने किया गिरफ्तार। SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया खुलासा। यातायात माह के अंतर्गत स्कूली बच्चों द्वारा यातायात जागरूकता रैली और नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, यातायात नियमों को जन जन तक पहुंचाकर लोगों को किया गया जागरूक। सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ के अंतर्गत शनिवार को वॉलीबॉल, कुश्ती एवं हॉकी खेल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों का रहा दबदबा। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने खिलाड़ियों को दिया आशीर्वाद। गोरखपुर जनपद में अभी तक 1.5 लाख मीट्रिक टन धान की जा चुकी है खरीदारी। शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य का है 82%। 28 फरवरी तक होगी धान की खरीदारी। ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। एक महीने से रुके कोविड वैक्सीनेशन का कार्य रविवार से होगा फिर से शुरू। जिला अस्पताल को मिले 35,000 कोविशील्ड के वैक्सीन। अभी तक वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लगवाने वाले लोगों को खोज कर किया जाएगा वैक्सीनेशन। एडिशनल CMO AK चौधरी ने दी जानकारी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह को विशिष्ट BTC शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने दिया समर्थन। संगठन के जिला अध्यक्ष तारकेश्वर सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। कोतवाली थाने की पुलिस ने डायल 112 पर 4 करोड़ के सोने के सामान की चोरी की गलत सूचना देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान श्रवण तिवारी पुत्र रामज्ञा तिवारी निवासी दावर पास हरैया जनपद बस्ती के रूप में हुई है, जिसके पास से 1.50 लाख रुपए, स्वर्णकार तपस के 2 बंडल, स्वर्णकार राकेश ज्वेलर्स के 1 बंडल, स्वर्णकार NSK के 3 बंडल, MS ज्वेलर्स के 1 बंडल, स्वर्णकार अभिषेक ज्वेलर्स का 1 बंडल, अनुराधा ज्वेलर्स के 1 बंडल को बरामद किया गया है। SP सिटी ने बताया कि 27 जनवरी को श्रवण तिवारी ने डायल 112 नंबर को सूचना दिया कि मैं ब्राइट लॉजिस्टिक सर्विस कॉरियर कंपनी में कार्य करता हूँ।
गोरखपुर व प्रदेश के भिन्न भिन्न स्वर्ण व्यवसायियों से सोने का सामान रिसीव करते हैं एवं भिन्न भिन्न स्थानों पर प्राप्त सोने के सामानों को बेचते हैं। बीती रात्रि 10:09 पर 112 नंबर पर सूचना दिया गया कि 7 पैकेट सोने का सामान अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर चुरा लिया गया है, जिसकी सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा व बेनीगंज चौकी प्रभारी अजीत कुमार चतुर्वेदी छोटेलाल द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो श्रवण कुमार उपरोक्त द्वारा बताया गया कि कोरियर के मालिक राजन कुमार ने मुझे बताया कि सभी सोने के सामानों के पैकेट मोहित को देकर लखनऊ निकाल दो तथा पुलिस को इन पैकेटों की चोरी के संबंध में सूचना दे दो, जिससे इसका इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा। मैंने वैसा ही किया। सीसीटीवी कैमरे के जांच से सत्यता सामने आ गई व चोरी की घटना गलत पाई गई, जिस पर कोतवाली थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कोतवाली थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक अजीत कुमार चतुर्वेदी छोटेलाल शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा। जनपद गोरखपुर में प्रतिदिन अपराध के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। कल एक ऐसा रोचक मसला सामने आया जिसमें कल रात को एक सूचना दी कि वो एक ब्राइट लॉजिस्टिक्स सर्विस कोरियर कंपनी, उसमें काम करते हैं। उस कोरियर कंपनी का काम यहाँ के प्रमुख ज्वेलर्स हैं उनसे सामान लेके भारत के विभिन्न भागों में वो सोना पहुँचाने का काम है। उन्होंने बोला कि एक सामान जो करीबन 4 करोड़ का आसपास का सोने का सामान था वो हमने कमरे में रखा और वहाँ से कोई व्यक्ति ताला तोड़ के चोरी करके ले गया है। उस मौके पर तुरंत मेरे द्वारा SHO कोतवाली MCO कोतवाली को निर्देश दिए गए। मौके पर जाके उन्होंने जांच पड़ताल की, पूछताछ की। सघन पूछताछ में ये पता चला कि इनके साथ किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं हुई है। इन लोगों ने फर्जी तरीके से इंश्योरेंस क्लेम करने के चक्कर में खुद को एक विक्टिम बनाते हुए 4 करोड़ रुपये का फर्जी क्लेम करने के लिए ये साजिश रची थी। इनके कंपनी के जो ब्राइट लॉजिस्टिक सर्विस कोरियर कंपनी है, इनके मालिक जो है राजन कुमार हैं, उनके कहने पर जो श्रवण तिवारी है उन्होंने इस मुहिम को या इस स्कीम को उन्होंने रचा था और उस स्कीम का थाना कोतवाली द्वारा पर्दाफाश किया गया है और इनके पास से जो भी सामान था वो अच्छे से उसको पूर्णतः बरामद किया। उनके पास से 1.5 लाख रुपये अभियुक्त के बैग से मिले हैं और उसके साथ साथ जितने भी स्वर्णकारों के 6-7 जो सामान थे वो सारे पैकेट जो हैं वो उनको वापस मिल गए हैं और श्रवण कुमार को थाना कोतवाली पर 182 IPC का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। उसके साथ साथ इसका जो मालिक राजन कुमार है वो भी अभियुक्त इस मुकदमे में बनाया गया। इनका मोटिव बड़ा सिंपल था कि 4 करोड़ रुपए की चोरी दिखाने के बाद में इनको जिस इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाता तो कम से कम इनको 4 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा आमदनी हो जाता। उसी के चक्कर में ये पुलिस को इस पसोपेच में डाले थे, लेकिन कोतवाली पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए इस घटना का अच्छे से पर्दाफाश किया। CCTV के माध्यम से ये पता चला कि एक्चुअली उनके घर पे ना कोई व्यक्ति आया है ना ही इस तरह का कोई ताला तोड़ा गया है। ये घटना उन्होंने स्वयं रची है तो CCTV का वास्तव में बेहद महत्वपूर्ण रोल इस घटना में रहा है। थैंक यू। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के 30 जनवरी को मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह ने
बताया कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र का मतदान 30 जनवरी को होगा, जिसमें 30 मतदान केंद्र व 56 पोलिंग बूथ हैं। सभी बूथों पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए 3 सुपर जोन व 10 जोन 24 सेक्टर बनाया गया है। सभी सेक्टर पुलिस कर्मियों के साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा जोनल मजिस्ट्रेट व जोनल पुलिस कर्मी साथ साथ भ्रमणशील रहेंगे, जो कि एडिशनल एसपी व एडीएम सिटी रैंक के रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर एसएसबी जवानों व पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा हर मतदान केंद्र पर पीएससी जवानों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी तथा सभी जनपद के अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों से अवगत करवा दिया गया है। मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। इस अवसर पर एडिशनल एसपी सीओ कैंपियरगंज श्यामदेव बिंद, सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह, सीओ बांसगांव प्रिंशाली गंगवार, कैंट थाना प्रभारी सचिव भूषण राय, कोतवाली थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा सहित अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने कहा, 30 तारीख को है इलेक्शन, इनकी पार्टियां कहां से रहेंगी? यूनिवर्सिटी से रवाना होंगी, यूनिवर्सिटी में जमा तो जरूर होंगे। ठीक है, इसमें सामान निर्देश में आप लोग निर्देश आते हैं, वही निर्देश है। एक बार उनका वेरिफिकेशन जरूरी है कि पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर पर्दी के अंदर कोई बूथ नहीं बनेगा, बूथ 200 मीटर बाहर बनेगा। बूथ पर केवल एक बैनर रह सकता है, 3 फुट x 1.5 फुट साइज का। और जहां बूथ बनेगा वो भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बाहर बनेगा। ये 200 मीटर का है, 100 मीटर का हमेशा रहता है कि 100 मीटर की पर्दी में किसी प्रकार का प्रचार या मतयाचन नहीं की जाएगी। और नॉर्मल जो ड्यूटी रहती है कि कोई भी पुलिसकर्मी बूथ के अंदर नहीं जाएगा जब तक प्रिजाइडिंग अफसर ना बुलाए, ये मेन मेन पॉइंट है। जो लोग ड्यूटी पर लगे हुए हैं बाहर से सुरक्षा कर्मी गाड़ी में बैठ के साथ में आएंगे और जमा करवाएंगे। ये सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी है, इसका सब लोग विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल जो प्रभारी हैं उनके लिए बुलाया गया उस रैंक तक। तो नीचे से ये गाड़ी में ये सर उधर ही बताते हैं, मिनिमम आधा सेक्शन। आधा सेक्शन का मतलब होता है 4 लोग कम से कम सशस्त्र, 4 सशस्त्र लोग उसमें बैठेंगे। ये जो लोग पोलिंग स्टेशन पे लगे होंगे ये उनकी जिम्मेदारी है। आगे सेक्शन से कम नहीं हो, 4 से कम लोग नहीं बैठेंगे। तो ये मत कहिएगा कि मेरी गाड़ी साहब वहीं खड़ी है, वो अपनी व्यवस्था बना के जाइएगा। इसका बेहतर तरीका ये होता है कि जहाँ से पार्टी रवाना हो यहीं से साथ में बैठ के जाइए ताकि गाड़ी आपकी यहीं खड़ी रहे। अपना कोई ऐसा व्यवहार प्रदर्शित ना करें, कोई ऐसी चर्चा ना करें जिससे किसी पार्टी या कैंडिडेट के प्रति कोई रुझान प्रदर्शित हो, और ना ही किसी पार्टिकुलर पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में अपना कोई शब्द या भाव अंगमा का कोई अपने विपक्ष में बोलना है। किसी भी वोटर के साथ कोई गलत साथ में नहीं जाएगा, कोई भी गलती वाला साथ में नहीं जाएगा। जो बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी है जिसको एक्स वाई जेड सुरक्षा दी जाती है, जिसमें उस चीज का ध्यान रखें जैसा पहले इलेक्शन में होता था, कोई पानी ऐसे इन ये सब लेके कोई बूथ के अंदर प्रवेश ना। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक खंड निर्वाचन दिनांक 30 जनवरी 2023 के लिए प्रस्तावित है। इसमें हमारे जनपद में 30 मतदान केंद्र हैं और 56 पोलिंग बूथ हैं। संपूर्ण व्यवस्था में मानक के अनुसार हमने पुलिस बल की नियुक्ति की है और संपूर्ण के लिए 3 सुपर जोन बनाए गए हैं। संपूर्ण जनपद में 10 जोन बनाए गए हैं और 24 सेक्टर बनाए गए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ सेक्टर पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जोनल मजिस्ट्रेट और जोनल पुलिस अधिकारी साथ साथ भ्रमण करेंगे और सुपर जोनल और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट जो कि एडीएम और एसपी रैंक के हैं वो साथ साथ भ्रमण करेंगे।
प्रत्येक मतदान केंद्र और मतदेय स्थल पर पर्याप्त मात्रा में सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके साथ साथ प्रत्येक मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक पुलिस बल के रूप में पीएसी के लिए भी तैनात किया गया है। और जो भी हमारे चुनाव संबंधी दिशा निर्देश जो भी चुनाव मुख्यालय उत्तर प्रदेश एवं निर्वाचन आयोग से प्राप्त हुए हैं, सभी कर्मियों के लिए भलीभांति ब्रीफ करके उनके लिए समझा दिया गया है। चुनाव के लिए पूर्ण रूप से चुनाव आचार संहिता का पालन कराते हुए निष्पक्ष और निर्भीक रूप से स्वतंत्र मताधिकार का प्रयोग करने के उद्देश्य से चुनाव की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है, सभी को ब्रीफ कर दिया गया है। कैंट थाने की पुलिस ने 6 सातिर चोर व 1 बाल आबचारी को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 6 अभियुक्तों को पुराना कचहरी परिसर से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान मनोज मंडल उर्फ बाटू पुत्र बीचन मंडल निवासी महाराजपुर नया टोला तलझाड़ी जिला साहबगंज झारखंड, दूसरा सुनील महतो पुत्र स्वर्गीय सियाराम महतो निवासी महाराजपुर नया चोला थाना तलझाड़ी जिला साहबगंज झारखंड, तीसरा परन कुमार पुत्र स्वर्गीय दाताराम नुनिया निवासी तीन पहाड़ टोला बाबूपुर थाना तीन पहाड़ जिला साहबगंज झारखंड, चौथा करण कुमार पुत्र स्वर्गीय दाताराम नोनिया निवासी तिल पहाड़ टोला बाबूपुर थाना तिल पहाड़ जिला साहबगंज झारखंड, पांचवा तेतर महतो पुत्र स्वर्गीय गोरख महतो निवासी महाराजपुर नया चोला थाना तलझाड़ी जिला साहबगंज झारखंड, छठवा मोहम्मद सज्जाम अंसारी पुत्र मोहम्मद जहांगीर निवासी तलझाड़ी जिला साहबगंज झारखंड व सातवा बाल आबचारी के रूप में हुई है, जिनके पास से चोरी की 11 मोबाइल, चोरी के मोबाइल बेचने से प्राप्त 7,700 रुपए नगद व 305 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि यह गिरोह थाना तलझाड़ी जिला साहबगंज झारखंड का है, जो अपने गांव के और अगल बगल के गांव के लड़कों को 10,000 से 12,000 रुपए पर रखते हैं एवं बड़े बड़े शहरों में किराए का मकान लेकर रहते हैं, वहां से इस गैंग का संचालन करते हैं। यह गैंग सुबह 10 बजे से घर से निकलते हैं, अपने साथ के लड़कों जिनकी उम्र 10 से 12 वर्ष है उनको भीड़ भाड़ वाले जगहों जैसे मॉल शोरूम दुकान आदि पर लाकर छोड़ते हैं, और ये लड़के अपने साथ प्लास्टिक का थैला एक हाथ में लिए रहते हैं, जिससे आड़ करते हैं एवं भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर ये लोगों की जेब से मोबाइल व पैसा निकाल लेते हैं। ये उन मोबाइल को जब निकालते हैं तो इनके साथ बड़ा आदमी जो रहता है वह इनको लेकर वहां से निकल जाता है, और संयोग बस कभी बच्चे पकड़ लिए जाते हैं तो ये अपने वकील के माध्यम से इनकी जमानत तुरंत नाबालिग न्यायालय से करा लेते हैं। ये बच्चे जब पकड़े जाते हैं तो ये कुछ भी पूछने पर नहीं बताते और सिर्फ यही कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं प्लेटफॉर्म पर सोता हूँ, मैं घूमने गाँव से चला आया था। इस प्रकार यह एक सप्ताह में करीब 15 से 20 मोबाइल चोरी कर लेते हैं और किसी व्यक्ति से या स्वयं अपने गांव ले जाकर मोबाइल को साइबर अपराध करने वाले जैसे पश्चिम बंगाल झारखंड के जामतारा आदि क्षेत्रों में अच्छे दाम पर बिक्री कर देते हैं। यह देश की सुरक्षा के लिए भी चुनौती बने हुए हैं। इनके गैंग के आज से पूर्व 2 बच्चों को पकड़कर चोरी के प्रयास में जेल भेजा गया था, जो मात्र 2 दिन में बाल न्यायालय से छूटकर दोबारा अपराध करने लगे हैं। इनके वकील सेट हैं, ये यदि पकड़े जाते हैं तो तुरंत वकील छुड़ाने के लिए थाने पर दस्तक दे देते हैं एवं प्रलोभन देकर छुड़ाना चाहते हैं। हमारे यहाँ 9 जनवरी को कैंट थाने के वी मार्ट से आईफोन चोरी किए थे, जिसका वीडियो भी उपलब्ध है। ये ओरियन मॉल में 31 दिसंबर को घटना किए थे और 4 जनवरी को बेतिहाता सब्जी मार्केट से इन्होंने चोरी किया है, जिसमें मोबाइल बरामद किया गया है और जो बेच दिए हैं उनका पैसा बरामद किया गया है, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, वरिष्ठ उप निरीक्षक शेर बहादुर यादव, जटेपुर चौकी प्रभारी धीरेन्द्र कुमार राय, हेड कांस्टेबल मोहसिन खान, कांस्टेबल राजेश यादव, संजीत यादव, विकास यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विष्णु ने कहा,
जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना कैंट को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने गैंग के 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो कि भीड़भाड़ के जितने भी इलाके, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो सब्जी मार्केट हो, यहाँ के चाहे बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन, इस तरह की जो भी जगह है जहाँ पर भीड़ लगती है, वहाँ पर ये छोटे बच्चों को, जो कि झारखंड के साहबगंज के रहने वाले हैं, अपने गांव के आसपास के बच्चों को 10 से 12 हज़ार रुपया मैं हर महीने की सैलरी के रूप में वहां से लेके आते हैं यहां पे, और यहां लाने के बाद ये बच्चे को छोड़ देते हैं किसी भीड़भाड़ वाली जगह पे, उसको एक झोला दे देते हैं, और वह बच्चा बड़ी सफाई के साथ में वो फ़ोन को चोरी करते हैं, और चोरी करने के बाद में पास में जो भी बड़ा खड़ा रहता है, बड़ा व्यक्ति, उसको वो दे देते हैं अपने गिरोह के सदस्य को, और उसके बाद में वहाँ से वो गायब हो जाते हैं। इस तरह इन्होंने 31 तारीख को ओरियन मॉल के अंदर कई घटनाएं की, वी मार्ट में कई घटनाएं की, बेतियाता में भी इस तरह की घटनाएं की। इस तरह की बार बार घटना होने की सूचना मिलने पर थाना कैंट द्वारा एम पुलिस को एक्टिव किया, और फिर आज इन्होंने 11 मोबाइल, जो कि करीबन 2 लाख रुपए से ज़्यादा की कीमत के मोबाइल हैं, और 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 7,500 रुपये के आसपास नकदी भी बरामद हुई है। गोरखपुर में आपको बता दूँ, उल्लेखनीय है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको थाना कैंट द्वारा ही कुछ दिन पहले पकड़ा गया था, फिर उनको बाल अपचारी होने के नाते चाइल्ड हेल्पलाइन में दे दिया था ताकि सुधार हो, लेकिन उसके बाद में बच्चा फिर दोबारा पकड़ा गया, फिर उसको बाल अपचारी होने के नाते बाल संरक्षण गृह में भेजा गया, लेकिन वहाँ पर भी कोर्ट ने उनको 3 दिन में जमानत दे दी, उसके बाद में फिर आज फिर पकड़ा गया है, तो फिर से विधिक कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। किस तरह ये चोरी करते थे? ये भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जब व्यक्ति अपनी कोई सामान खरीदने, सब्जी खरीदने या मॉल में कहीं बिजी रहता है, उसी समय ये बिना पलक झपके तुरंत से मोबाइल को निकाल लेते हैं बड़ी सफाई के साथ, वही उनका एक्सपर्टीज है। और लेकिन गोरखपुर पुलिस और कैंट पुलिस स्पेशली, इससे पहले भी इन्होंने एक गैंग जो रेलवे चौकी प्रभारी है उनके निर्देशन में उन्होंने अच्छा काम किया था, और इस बार चौकी प्रभारी जटेपुर द्वारा ये एक अच्छी गैंग का है वो खुलासा किया गया। थैंक यू। एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में एसजेपीयू और एएचटीयू की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक की गई, जिसके संबंध में एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी विभिन्न एसओपी अनुसंधान एवं अभियोजन, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी विवेचक के समक्ष आ रही समस्या, पीड़िता के आवासन, बाल श्रम और भिक्षावृत्ति की रोकथाम, पीटी ऑफेंस पर प्राप्त निर्देशों के संबंध में कार्यवाही, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में हुए नवीनतम संशोधन, पॉक्सो एक्ट के मुकदमे पंजीकृत करते समय कार्रवाई, रेस्क्यू किए बालकों के पुनर्वास के संबंध में चर्चा और बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और दिशा निर्देश का पालन आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस अवसर पर डिप्टी जेलर ब्रजेश नारायण पांडे, अभियोजन अधिकारी राजेश मल, न्याय विभाग, श्रम विभाग के श्रम प्रवर्तन अधिकारी धीरज सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना एएचटी शिवशंकर चौबे, थाना एएचटी जनपद गोरखपुर के समस्त स्टाफ व सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, बता दे कोई अगर लिख करके दिया सर, इस पर एक यूज जो है, एक यूज के काउंसिल पहले सुन लीजिए, एक यूज का काउंसिल जो है आपके पास यही रहता है कि नहीं मैंने बयान नहीं लिया, क्योंकि एसआर रजिस्टर से हम लोग प्रूफ करा देते हैं वो अलग चीज है, उसका और कोई नहीं करता। हम तो आज तक किसी के जाए हम तक नहीं क्या किया जा सर, आप और उसके बाद 164D का जो है मेडिकल है उसी के आधार पे आप करिए। अगर आपको लग रहा है कि ये असत्य है तो आप असत्य के लिए आप करिए,
अगर आपको अगर कर सकते हैं तो सबके लिए साझा करके करिए। आपको सिर्फ 164 के दौरान का SGPU की बैठक थी जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स के लोग जो इससे संबंधित हैं वो सभी इसमें उपस्थित आए थे। इसमें हम लोग चर्चा करते हैं कि जो बच्चे बरामद होते हैं सड़कों पे काम करते हुए या ढाबों पे काम कर रहे हैं, जो रिकवर हो रहे हैं या जो किसी मुकदमे से संबंधित हैं, उन बच्चों के रिहैबिलिटेशन के संबंध में और जो बच्चे रिकवर हो रहे हैं उनको कैसे हम जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएँ हैं उनसे हम कैसे उनको कनेक्ट करके और उन योजनाओं का लाभ उनको दिला सकें ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सकें, इस संबंध में चर्चा हुई और विवेचनाओं के और जेजे एक्ट और पॉक्सो एक्ट के संबंध में जो विवेचकों को कुछ कठिनाइयां आती हैं उसके संबंध में चर्चा हुई, प्लस कोर्ट में जो कमियां देखने को मिलती हैं इन एक्ट से संबंधित उसके विषय में चर्चा हुई और एक अच्छी बैठक हुई आज जिसमें वेजनाओं के निस्तार पर भी निर्देश दिए गए। कैंट थाने पर नायब तहसीलदार सदर विकास कुमार की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया जिसके संबंध में सदर तहसील के नायब तहसीलदार विकास कुमार ने बताया कि पूरे प्रदेश के सभी थानों पर द्वितीय व चौथे शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है जिसको देखते हुए कैंट थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया है जिसमें अधिकतर मामले भूमि विवाद से संबंधित आए थे जिसमें एक मामला रास्ते से संबंधित व एक मामला भूमि विवाद से संबंधित आया था जिसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है। यदि जरूरत पड़ी तो पुलिस व राजस्व की टीम बनाकर मौके पर भेजकर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि थाना समाधान दिवस काफी कारगर साबित हो रहा है, नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो रहा है। इस अवसर पर कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय सहित राजस्व व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर तहसील के नायब तहसीलदार विकास कुमार ने कहा दे दूंगा जगह है तो है जगह इसको शपथ पत्र दे रहा है कब दिया है 21 तारीख को क्या दिया है नहीं आ रहा ना आई इनको सब फिर दे रहा है तो वो लेकिन कौन किए सर को तो बताया तो देखिए मान लीजिए वो डाला आगे पैसा नहीं दिए ज़्यादा दिन पैसा क्या है आज जब रजिस्ट्री में कह रहा है कि पैसा हम पा गए हैं मेरा नाम विकास कुमार है, तहसील सदर में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत हूँ। थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, किस तरह का मामला है? अभी तक दो मामले आए थे, एक रास्ते संबंधित था, एक भूमधरी संबंधित था। दोनों को लेखपाल ने देख लिया है, ठीक है, और उसके समस्या समाधान के लिए किया जा रहा है। अगर आवश्यकता पड़ी तो फोर्स भेज करके उस समस्या समाधान कर दिया जाएगा। कितना कारगर साबित हो रहा थाना समाधान? थाना समाधान दिवस में पुलिस और राजस्व टीम दोनों मिल करके काम करती है, इसलिए समस्या का त्वरित निस्तारण करने का प्रयास भी किया जा रहा है और हो भी रहा है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 4 करोड़ के सोने के सामान की चोरी की, डायल 112 नंबर पर गलत सूचना देने वाले अभियुक्त श्रवण तिवारी को कोतवाली थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1.5 लाख रुपए नगद स्वर्णकार तपस के 2 बंडल, स्वर्णकार राकेश ज्वेलर्स के 1 बंडल सहित अन्य सामान किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा।
गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के 30 जनवरी को होने वाले मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने जनपद के पुलिस कर्मियों के साथ की बैठक। कहा, मतदान को संपन्न कराने के लिए 3 सुपर जोन 10 जोन सहित बनाया गया है 24 सेक्टर। सभी मतदान केंद्रों पर एसएसबी व पुलिस कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। मतदान को करवाया जाएगा सकुशल संपन्न। चोरी की घटना कारित करने वाले संगठित गिरोह के 6 अभियुक्तों सहित एक बाल आबचारी को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 11 मोबाइल, 7,700 रुपए नगद, 305 ग्राम नशीला पाउडर किया बरामद। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया खुलासा। एसजेपीयू और एएचटीयू की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी विभिन्न दिशा निर्देशों के पालन आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक की गई चर्चा। एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने दी जानकारी। नायब तहसीलदार सदर विकास कुमार की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में आए 2 मामले, मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। जनवरी को हुई मोबाइल की छिनैती करने वाले अभियुक्त प्रिंस चौहान को कोतवाली थाने के पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया खुलासा। यातायात माह के अंतर्गत स्कूली बच्चों द्वारा यातायात जागरूकता रैली और नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, यातायात नियमों को जन जन तक पहुंचाकर लोगों को किया गया जागरूक। सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ के अंतर्गत शनिवार को वॉलीबॉल, कुश्ती एवं हॉकी खेल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों का रहा दबदबा। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने खिलाड़ियों को दिया आशीर्वाद। गोरखपुर जनपद में अभी तक 1.5 लाख मीट्रिक टन धान की जा चुकी है खरीदारी। शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य का है 82%। 28 फरवरी तक होगी धान की खरीदारी। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। एक महीने से रुके कोविड वैक्सीनेशन का कार्य रविवार से होगा फिर से शुरू। जिला अस्पताल को मिले 35,000 कोविशील्ड के वैक्सीन। अभी तक वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लगवाने वाले लोगों को खोज कर किया जाएगा वैक्सीनेशन। एडिशनल सीएमओ एके चौधरी ने दी जानकारी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह को विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने दिया समर्थन। संगठन के जिला अध्यक्ष तारकेश्वर सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोतवाली थाने की पुलिस ने शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जिसकी पहचान प्रिंस चौहान पुत्र प्रहलाद चौहान निवासी रुस्तमपुर विधायक जी की गली के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि 3 जनवरी को वादी अमन मोहम्मद पुत्र स्वर्गीय अख्तर हुसैन निवासी हुमायूंपुर उत्तरी दरोगा मस्जिद थाना गोरखनाथ गोरखपुर ने तहरीर दिया कि पल्सर बाइक सवार 2 व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा वादी के मोबाइल को छीनकर भाग गए थे जिसके तहरीर के आधार पर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया जिसको देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कोतवाली थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक अजीत कुमार चतुर्वेदी, उप निरीक्षक रितेश कुमार यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में गोरखपुर पुलिस द्वारा लुटेरों के खिलाफ एक स्पेशल मुहिम द्वारा कि जनपद में किसी प्रकार की कोई भी लूट ना हो उसी दिशा में आगे काम करते हुए आज एक ऐसे लुटेरे को गिरफ्तार किया जो कि वांछित था। प्रिंस चौहान नाम का लुटेरा जो कि थाना कोतवाली क्षेत्र में ट्रिपल राइडिंग करते हुए कभी स्कूटी से कभी पल्सर बाइक से लूट करता था। इसके 2 साथी अभी पहले भी जेल जा चुके हैं। आज प्रिंस चौहान की भी गिरफ्तारी की गई है।
और इसको भी 392 IPC में जेल भेजा जा रहा है। ये लोग थाना कोतवाली क्षेत्र में ही मोबाइल की दुकान पे बेचते थे और इन्होंने जितने भी मोबाइल लूट किए हैं सारे मोबाइल अभी तक रिकवर किए जा चुके हैं। थैंक यू। यातायात माह के अंतर्गत SP ट्रैफिक महेंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में स्कूली बच्चों द्वारा यातायात जागरूकता रैली का आयोजन किया गया तथा साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। रैली काली मंदिर तिराहा से प्रारंभ होकर गणेश चौराहा, विजय चौक, कचहरी चौराहा होते हुए जटेपुर समाप्त हुई, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक महेंद्रपाल सिंह ने बताया कि यातायात माह 4 फरवरी तक पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, जिसमें ऑटो एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट विद्यालय तथा सभी विभागों के सहभागिता है। इस रैली का उद्देश्य यातायात नियमों को जन जन तक पहुंचाकर लोगों को जागरूक किया गया, जिससे यातायात व्यवस्था को जन जन के सहयोग से और सुदृढ़ बनाया जा सके। इस रैली में बच्चों द्वारा पोस्टरों एवं नारों के जरिए जागरूक करने का प्रयास किया गया कि सड़क पर चलते समय वाहन की गति को नियमित रखें, सीट बेल्ट व हेलमेट का प्रयोग करें, सिग्नल का पालन करें तथा वाहन को रोड पर खड़ा न करें, पार्किंग में ही खड़ा करें, चौराहे तथा मोड़ पर वाहन की गति को कम कर लें और समाज में यातायात नियमों के संबंध में सभी को जागरूक करें, जिससे यातायात के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सके, जिससे सुलभ एवं अवरुद्ध रहित यातायात व्यवस्था आमजन को उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर TSI मनोज कुमार राय, धर्मेंद्र सिंह, रामवीरज यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी एवं बच्चे मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, किसी भी वाहन के द्वारा होगा नुकसान यहाँ से कैमरे से देखा जा रहा है, आपके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी, चालान भी किए जाएंगे और आपके CBS Gano Karnataka.
अवगत कराएंगे। आप मत हमको सिखाइए क्या सही है और क्या गलत है, अपने काम से मतलब रखिए। जैसा कि आप सभी ने देखा, हेलमेट ना पहनने से आपके लिए ऐसी दुर्गति हो सकती है, इसीलिए हम कहते हैं हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिना हेलमेट पहने आप ट्रैफिक पुलिस से तो बच सकते हैं, परंतु यमराज से नहीं। कृपया ध्यान दें, सदैव हेलमेट पहने, हेलमेट चलान बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी जान की सुरक्षा के लिए पहने, तथा गाड़ी चलाते समय दिए गए सभी नियमों का अच्छी तरह पालन करें, अपनी और अपनों की सुरक्षा का ध्यान दें। बाइक से जाएंगे लेकिन एक शर्त पर, बाइक मेरा भाई चलाएगा। मैं निकला वो गाड़ी लेके रास्ते पे सड़क पे, इसीलिए कहते हैं ड्रिंक और ड्राइव सेफ नहीं है। जैसा कि आपने देखा, ड्रिंक एंड ड्राइव पीने से ऐसे ही आपकी भी दुर्घटना हो सकती है। अगर अपना नहीं तो अपने परिवार का सोच के शराब पीकर गाड़ी ना चला। अरे भैया हॉस्पिटल कब तक आएगा? मेरे ऊपर नहीं है, सामने बहुत ट्रैफिक है। आप हमें मत दिखाइए क्या सही और क्या गलत है, मुझे जॉब के लिए लेट हो रहा है। हमें इसी तरह इंसानियत रखनी चाहिए कि अगर हमारे पीछे कोई भी एम्बुलेंस की गाड़ी आए तो हम उसे साइड दे सके, क्योंकि हमारा जॉब किसी की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कृपया इस दृश्य को हकीकत में ना दोहराएं। से 4 फरवरी तक पूरे प्रदेश में यातायात जागरूकता महा पुनः मनाया जा रहा है। इसमें सभी ऑटो एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, सभी विद्यालय शिक्षा विभाग, सभी विभागों की इसमें सहभागिता है। नोडल इसका परिवहन विभाग है, जिसमें ट्रैफिक विभाग सहयोगी के रूप में। इसी क्रम में आज सेंट्रल पब्लिक स्कूल पिपराइच और मोहद्दीपुर के बच्चों द्वारा सभी आमजनों के लिए घर घर तक यातायात नियमों की जागरूकता पहुंचाने के उद्देश्य से काली मंदिर से एक यातायात जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जो विजय चौक, गणेश चौक, विजय चौक, अग्रसेन चौराहा, कलेक्ट्रेट, शास्त्री होते हुए जटेपुर पर आकर संपन्न हुई यातायात जागरूकता यात्रा। यहाँ पर आकर बच्चों ने यातायात नियमों से संबंधित नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया, जिसे सभी राहगीरों ने आते जाते देखा। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों ने बहुत अच्छा आमजन के लिए संदेश दिया कि सभी लोग सड़क पर चलते समय यातायात नियमों को अपनाएं और यातायात नियमों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सर इस तरीके से और बच्चों ने बहुत अच्छे से इसका चित्रण किया कि किस प्रकार किस रूल का वायलेट करने से कितनी गंभीर दुर्घटना हो सकती है और दुर्घटनाओं में जान जाने की संभावना बनी रहती है। तो इसके लिए मैं CPS पब्लिक स्कूल का आभारी हूं और इसके माध्यम से निश्चित रूप से लोगों में संदेश जाएगा इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और घर घर तक की ये एक मुहिम बनेगी। यातायात नियमों की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और इसके माध्यम से हम घर घर तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें और गोरखपुर शहर के लिए एक सुरक्षित सिटी के रूप में विकसित करें। थैंक यू, जय हिंद। सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ के अंतर्गत शनिवार को सिविल लाइन रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में वॉलीबॉल, कुश्ती एवं हॉकी खेल की प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पधन जैन रहे। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल का शुभारम्भ किया। हॉकी प्रतियोगिता में बालक वर्ग प्रथम सेमीफाइनल MLZ स्कूल बनाम लक्ष्य स्पोर्ट्स अकेडमी के बीच खेला गया, जिसमें MLZ स्कूल ने लक्ष्य स्पोर्ट्स अकेडमी को 6-1 गोल के अंतर से पराजित किया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में बालक वर्ग में
भैरवपुर बनाम एमपी इंटर कॉलेज के बीच खेला गया, जिसमें भैरवपुर ने एमपी इंटर कॉलेज को 25-17, 25-12 अंकों से पराजित किया। कुश्ती प्रतियोगिता में ग्राम निवासी निखिल कृष्ण ने नगर निवासी सोनू रीजनल स्टेडियम को 40 किलोग्राम से मात दिया। ग्राम निवासी रुदल कृष्ण ने नगर निवासी सन्नी यादव को 45 किलोग्राम से मात दिया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष विशाल सिंह, उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष धीरज सिंह हरीश, पूर्व पार्षद मनीष सिंह, समरेंद्र विक्रम सिंह तथा जिला युवा कल्याण अधिकारी अमित सिंह मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पधन जैन ने कहा, एमपी की यहाँ बैरकपुर के दल बॉल बनी लेकिन चकमा देने कोशिश, और इसी साथ बढ़िया सर्विस बैरकपुर की, गुड पास वहाँ पे एंटर कॉलेज का, लेकिन फाउल दे दिया गया। यहाँ शॉट बॉल को ब्लॉक करते हुए गोने भैया यहाँ पे आठ बार बैठे हैं। आज गुड लिफ्ट यहाँ पे अच्छा डिफेंस, यहाँ पे इजी क्रॉस किया, यहाँ पे रैली चलती हुई अटैक करते हुए एम पेंटर कॉलेज के सर्विसर यहाँ पास नहीं जा पहुँचा पाया। बॉल लिफ्ट कर दिए गए लेकिन आराम से क्रॉस किया, यहाँ बॉल लिफ्ट हुआ बोलो। नेता
खेल स्पर्धा जी महाकुंभ का आयोजन किया गया। हाँ, इसका प्रारंभ कल से हुआ। हमारे आदरणीय सांसद रवि किशन जी ने कल इसका शुरुआत किया है और यह जो है भी करीब करीब 20 दिन तक यह स्पर्धा चलेगी और 16 तारीख को इसका समापन है। आदरणीय हमारे बगल में श्री धीरज सिंह जी हैं और मनीष सिंह जी हैं, यहाँ पर बहुत से सांसद प्रतिनिधि सब हैं यहाँ पर और तमाम खेल प्रेमी यहाँ पर अतिथि लोग आए हैं और कल से ही प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से गोरखपुर के लिए बहुत गौरव की बात है कि सांसद जी ने इतना बड़ा आयोजन गोरखपुर के खिलाड़ियों के लिए हर क्षेत्र में, चाहे वो कुश्ती हो, चाहे हॉकी हो, चाहे वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, सभी खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने इस खेल के माध्यम से दिया है कि ये 20 दिन के अंदर जो भी खिलाड़ी हैं वह प्रतिस्पर्धा में आएँ और अपना हुनर दिखा करके एक अच्छा उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा और इस प्लेटफॉर्म से अपने को प्रस्तुत करके एक अपना नाम जो है इस स्पर्धा में लाएंगे और उनका नाम आएगा तो आगे उनको स्कोप रहेगा बढ़ने का। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म सांसद जी ने दिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई। और यहाँ पर जो लोग इस टीम में काम में इसमें लगे हुए हैं उन सबको भी हमारे तरफ से, हम अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप सबके अंदर इतनी अच्छी भावना और इन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में जो कार्य हो रहा है ये अपने आप में सराहनीय है। और हमारे प्रधानमंत्री जी वो भी जो है खेल को बहुत आगे बढ़ाने में पूरे भारतवर्ष में लगे हुए हैं और उत्तर प्रदेश हमारे योगी जी भी इसको बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं, खेल खिलाड़ियों को बहुत अच्छे अच्छे इनाम भी दे रहे हैं जो खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। तो एक बार पुनः आपके माध्यम से सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई और खेल में जो भी प्रतिस्पर्धा में खिलाड़ी आएँ वह एक अच्छे भावना से खेल को खेलें और निश्चित रूप से समझ के आएँ कि हम को जीतना है, ऐसे उद्देश्य की पूर्ति करते हुए खिलाड़ी आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना। जय जय भारत। जनपद में अभी तक 1.5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी की जा चुकी है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में अभी 27,000 किसानों से लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी की जा चुकी है, जो कि शासन के द्वारा निर्धारित लक्ष्य का 82% है। उन्होंने बताया कि अभी भी धान की खरीदारी जारी है जो कि 28 फरवरी तक चलती रहेगी। यदि अभी भी किसी किसान के पास धान हो तो वह सरकारी क्रय केंद्र पर बेचना चाहता हो तो वह किसी भी धान क्रय केंद्र पर जाकर धान बेच सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं और प्रभारी अधिकारी हूं, जिला धान खरीद अधिकारी हूं। अभी तक हमारे जनपद में लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन, लगभग 82% की हम लोगों ने धान परचेज कर लिया है 27,000 किसानों से, और भी धान परचेज अभी जारी है, ये 28 फरवरी तक चलता रहेगा। यदि किसी के पास अभी धान हो और वो सरकारी क्रय केंद्र पर अपना विक्रय करना चाहता हो तो किसी भी क्रय केंद्र पर जा करके और वहां पर वो अपना विक्रय कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला अस्पताल में 35,000 कोविशील्ड वैक्सीन आ गई है। पिछले एक महीने से कोविड वैक्सीनेशन के रुके हुए सिलसिले को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। जिन लोगों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगा है उनको कोविशील्ड का डोज दिया जाएगा तथा जनपद में सभी PSC पर वैक्सीन उपलब्ध रहेगी, जहां पर लोग जाकर आसानी से वैक्सीनेशन करा सकते हैं। जिसके संबंध में एडिशनल CMO AK चौधरी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से कोविड वैक्सीनेशन डोज खत्म हो गया था, लेकिन फिर से 35,000 कोविड वैक्सीन आ गए हैं,
जिससे रविवार को सभी पीएससी पर आरोग्य मेला के जरिए कैंप लगाकर छूटे हुए लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनपद में पिछले 7 महीनों में 16 लाख लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है। उन्होंने कहा कि रविवार को लगने वाले आरोग्य मेले में हर गांव की आशा छूटे हुए लोगों को लिस्ट तैयार करेंगी। जो लोग वैक्सीन नहीं लगाए हैं उन लोगों को प्रेरित करके उन्हें वैक्सीन सेंटर पर ले जाकर उनका वैक्सीनेशन कराएंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडिशनल सीएमओ एके चौधरी ने कहा, रविवार को वैक्सीनेशन करना है, कोविशील्ड करना है, हो जाएगा। ये जो है वैक्सीन कुछ दिनों से जो है बीच में हमारे पास कोविशील्ड की वैक्सीन नहीं थी, जो हमें मिल गई है, तो बहुत से लोग छूटे हुए हैं या जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है वो इस मौके का फ़ायदा ले सकते हैं। 34,000 डोज हमारे गोरखपुर को उपलब्ध हुआ है और ये हम शुरुआत कर रहे हैं जो आरोग्य मेला रविवार को लगेगा, इसमें भी टीकाकरण किया जाएगा और सभी लोग आकर के इसमें जो है टीका लगा। सर अभी तक कितने डोज लगा चुके हैं? सर 34,000 डोज मिले हैं और अभी कुछ ही डोज लग पाए हैं, अभी लोग आ नहीं रहे हैं, तो थोड़ा जागरूक करना जरूरी है कि लोग आए और अपना जो छोटे लोग हैं वो टीका लगवा लें। इसमें आशाओं की क्या भूमिका रहेगी? सर आशाओं की भूमिका जो भी मतलब फील्ड में उन्हें मिलते हैं वो ला करके टीका लगवा लें। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव में के भाजपा प्रत्याशी पूर्व एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह को विशेष बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने समर्थन दिया है। इसके संबंध में जिला अध्यक्ष तारकेश्वर शाही ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि भाजपा प्रत्याशी व पूर्व एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में सभी विशेष बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के सभी सदस्य आने वाली 30 तारीख को मतदान करेंगे। हम अपने संगठन के सभी सदस्यों को आह्वान करते हैं कि समय से पहुंचकर भारी से भारी मतों से देवेंद्र प्रताप सिंह को विजयी बनाएं, क्योंकि ये हमारे संगठन के संरक्षक रहे हैं और इन्होंने हम शिक्षकों की मांग को सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाया है और बेरोजगारों के बारे में बात किया है। इसीलिए हम लोग अपने पूरे संगठन के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह को जिताने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विशेष बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष तारकेश्वर शाही ने कहा, अपने एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में खुल करके उनके लिए आने वाले 30 तारीख को प्रथम प्रवक्ता का मत दे करके उनके समर्थन की बात करते हैं। हम अपने संगठन को आह्वान करते हैं कि वो लोग समय से पहुंच करके या प्रथम प्रवक्ता का मत दे करके उनको विजय बनाने का काम करें। क्यों? क्योंकि वह हमारे संगठन के संरक्षक रहे हैं और वह हम शिक्षकों की मांग को सड़क से लेकर के सदन तक किए हैं, बेरोजगारों के बारे में बात किए हैं, तो हम उनके समर्थन में अपने संगठन के साथ पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 4 करोड़ के सोने के सामान की चोरी की, डायल 112 नंबर पर गलत सूचना देने वाले अभियुक्त श्रवण तिवारी को कोतवाली थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1.5 लाख रुपए नगद स्वर्णकार, तपस के 2 बंडल, स्वर्णकार राकेश ज्वेलर्स के 1 बंडल सहित अन्य सामान किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के 30 जनवरी को होने वाले मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने जनपद के पुलिस कर्मियों के साथ की बैठक। कहा, मतदान को संपन्न कराने के लिए 3 सुपर जोन, 10 जोन सहित बनाया गया है 24 सेक्टर। सभी मतदान केंद्रों पर एसएसबी व पुलिस कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। मतदान को करवाया जाएगा सकुशल संपन्न। चोरी की घटना कारित करने वाले संगठित गिरोह के 6 अभियुक्तों सहित एक बाल आबचारी को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 11 मोबाइल, 7,700 रुपए नगद, 305 ग्राम नशीला पाउडर किया बरामद। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया खुलासा। एसजेपीयू और एएचटीयू की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी विभिन्न दिशा निर्देशों के पालन आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक की गई चर्चा। एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने दी जानकारी।
नायब तहसीलदार सदर विकास कुमार की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में आए दो मामले मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। जनवरी को हुई मोबाइल की छिनैती करने वाले अभियुक्त प्रिंस चौहान को कोतवाली थाने के पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया खुलासा। यातायात माह के अंतर्गत स्कूली बच्चों द्वारा यातायात जागरूकता रैली और नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, यातायात नियमों को जन जन तक पहुँचाकर लोगों को किया गया जागरूक। सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ के अंतर्गत शनिवार को वॉलीबॉल, कुश्ती एवं हॉकी खेल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों का रहा दबदबा। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने खिलाड़ियों को दिया आशीर्वाद। गोरखपुर जनपद में अभी तक 1.5 लाख मीट्रिक टन धान की जा चुकी है खरीदारी। शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य का है 82%। 28 फरवरी तक होगी धान की खरीदारी। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। एक महीने से रुके कोविड वैक्सीनेशन का कार्य रविवार से होगा फिर से शुरू। जिला अस्पताल को मिले 35,000 कोविशील्ड के वैक्सीन। अभी तक वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लगवाने वाले लोगों को खोज कर किया जाएगा वैक्सीनेशन। एडिशनल सीएमओ एके चौधरी ने दी जानकारी। और गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह को विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने दिया समर्थन। संगठन के जिला अध्यक्ष तारकेश्वर सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।